यूपी के बदायूं में दिल्ली बदायूं फोर लाइन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से बदायूं तिराहे पर बीच में काफी मात्रा में बिजली की पोल खड़े किए गए हैं। इन पोलों से आए दिन वाहन टकराकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस मामले की पूरी तह तक जाने के लिए लाइव 24 न्यूज चैनल की टीम ने जीरो ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। आज हम आपके लिए दिखा रहे हैं बिजली विभाग या PWD किसकी लापरवाही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो है कस्बा पड़ता है उझानी, ये रोड जो है दिल्ली के लिए क्या है, बदायूं से दिल्ली तक के लिए, यहाँ से जो है उझानी बाईपास से लेके अम्बेडकर चौराहे तक इतने खंभे लगे हुए हैं ज़बरदस्त, और इस पर जो किसी प्रकार का अधिकारी जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। आए दिन जो है रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ शख्स हम पूछते हैं उनसे, पूरा संज्ञान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश पाल सिंह सिसोदिया। जी जी, ये बताइए रोड कितना समय हो गया इस रोड को पड़ते हुए? इसे तो 2-4 महीने हो गए। नहीं, रोड पड़ते हुए कितना समय हो गया? लगभग 3 साल करीब हो गए। हाँ, उसे तो हाँ तो ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। अच्छा, तो ये बताइए रोड पे जो है खंबे लगे हुए हैं, खंबे क्यों नहीं हट पा रहे हैं? ये विभाग की लापरवाही है, PWD और विद्युत विभाग, इन दोनों की लापरवाही। जी 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 जी, हम तो यहीं पर पास में हमारा ऑफिस भी है बिल्कुल रोड पर ही, हम वहाँ पर बैठते हैं, तो आज दिन यहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं होती है, कभी भीषण एक्सीडेंट भी हुए, तो उससे जो है बहुत यानी पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये देखिए जो है, और भी हम पूछते हैं, क्या नाम है आपको? धर्मेंद्र प्रधान, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन बताएं। ये जो है रोड जो है कितना समय हो गया लगभग पड़ते हुए इसके लिए? लगभग 3 साल हो गई। 3 साल हो गई, तो क्या वजह है जो है इस जो है ये खंभे जो लगे हुए रोड पर खंभे क्यों नहीं हट पा रहे हैं? ये बिजली विभाग और PWD दोनों की लापरवाही है। कई बार अफसरों के पास तक शिकायत पहुंचाई गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर, और इस टाइम तो वैसे भी कोहरा का टाइम चल रहा है, रात में खंभे दिखाई नहीं देते, रात में दिखाई नहीं दे रहा, आज दिन रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए सीधा कहना है जो है आज दिन जो है पैदल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इस पर जो है बिजली विभाग और PWD दोनों ही जो है इसमें लापरवाह हैं, और कोई भी इसमें जो है सुन नहीं रहा। जैसे बिल्कुल आपको दिखा रहा है, ये खंभे से खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम? सुशील कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष हैं BDC महासंघ। जी जी, काफ़ी लंबे समय से है, कई लोग अधिकारियों संज्ञान में लाया है, लाया गया है, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कोहरे में कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, भयंकर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आए दिन यहाँ पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उन्होंने भी कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई भी अभी अधिकारी यहाँ पर इसको लेकर नहीं आया है। काफ़ी ऐसी हैं, काफ़ी खंभे हैं लाइन से, रोड लाइन से। हाँ, अच्छा, इसमें सबसे बड़ा दोषी जो है किसे मानते हैं, PWD या बिजली विभाग? दोनों ही हो सकते हैं, चाहे बिजली विभाग के हैं, जबकि रोड पड़ी है उससे पहले ही खंभे हट जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है बिजली विभाग या PWD ने आपस में बातचीत की या नहीं की। जो भी ठेकेदार रहे होंगे उन्होंने अपने हिसाब से अपना काम डाला और निकल गए, उन्हें सिर्फ काम पड़ जाना चाहिए, पैसा पड़ जाना चाहिए, जनता की जो है मौत की कोई उनके से कीमत नहीं है। वो नहीं है, कोई भी दुर्घटनाएं हों उन्हें अपने काम से मतलब है, वो निकल गए, जबकि खंभे पहले हटने चाहिए। जी जी, पहले उसके बाद सड़क पड़नी चाहिए। बहुत ही कोहरे में बहुत ही ये गंभीर समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। जी जी, ये देखिए, ये जो है सभी पदाधिकारी हैं, जो है गिरीश पाल सिंह, उनका ऑफिस भी है, इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो है आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और जो है बोले कि हमने कई बार जो है इसके बारे में अधिकारी को भी संज्ञान में लाया, लेकिन अधिकारी ने भी इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और इसमें दोनों ही की कमियां PWD और बिजली विभाग की मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि जब जो है जब ये अधिकारी संज्ञान में जाएगी, अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं। लाइव 24 पवन तोमर, ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? नन्नू राजाव। अच्छा, आपके आपका जो घर है ये PWD में आ रहा था रोड पे, मतलब कि जैसे कि आपका घर तोड़ दिया गया? अच्छा, आपकी मतलब इसके उपरांत भी कहीं पे जगह है? ना, कहीं ना सर, कहीं ना है, जैसे कि अब हम बैठने को 2 मिनट हो गई है। अब इसके बारे में आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई मदद दी गई आपके लिए? कोई ना, मिल रही सर। अच्छा, किस चीज़ की? विकलांग। अच्छा, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दोनों आंखें बेकार हैं? बिल्कुल दोनों बेकार। आपके बच्चे हैं? ना, कोई नहीं है। नहीं, बस यही जगह है। अब इसके बाद कहाँ रहोगे बाबा, अगर आपके ये घर से टूट रहा है? हम तो कहाँ रहेंगे, हम तो भगवान से जेठ मांगते हैं, इससे बढ़कर प्लान निकाल ले, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अब आप अब तो कहाँ जाएँ, अब यूँ ही हमारी जे है सर, अब कहीं ना पे हम तो भगवान से मांगते हैं। देखिए,
सड़क चौड़ीकरण में उजानी बाईपास से अंबेडकर तराय के बीच में है। एक साल पहले इसका सर्वे हुआ था, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स थे और हमारे इंजीनियर्स थे, तो इसका शिफ्टिंग का एस्टीमेट बनाया गया था 2,30,00,000 का। इसको जमा कराने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भेजा गया था, जिनके द्वारा अभी तक इसमें कोई भुगतान नहीं किया गया। भुगतान होने के बाद ही पोल व लाइन शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए हम लगातार पीडब्ल्यूडी के संपर्क में हैं, उनके यहाँ कुछ बजट का क्राइसिस है, जैसे ही इस एस्टीमेट का भुगतान हो जाता है पोल व लाइन शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा सकेगी। और पोल बीच में आने से जो है घटनाएं जो है काफी मात्रा में जो है घटना हो सकती है सर, तो कब तक सर उम्मीद है, कब तक आपके द्वारा कार्रवाई होगी? देखिए, सड़क कोई सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए पोल पर रेडियम से पेंट कराया गया है, रेडियम की पट्टी भी लगाई गई है ताकि नाइट में या कोहरे के समय वो दिखाई दे सकें। बाकी जो पोल व लाइन शिफ्टिंग का कार्य है, इसके धनराशि जमा होने के बाद भी की जा सकेगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।